बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जावेद परे और हम इस वक्त मौजूद है मुकाम अहमदनपुरा में। CRPF 92 बटालियन CRPF जो है उनके द्वारा से आज फिर से एक बार जो है मेडिकल कैंप का जो है इनेकाद किया गया है यहां पे मुकाम अहमदनपुरा में। और मुकाम अहमदनपुरा की अगर बात करें, इससे पहले भी दो तीन कैंप्स जो है 92 बटालियन CRPF की तरफ से किए गए, और ये जो आज का कैंप है यहाँ पर जो कि गाज़ियाबाद में किया गया, इससे पहले रफ़ियाबाद में इनका जो कैंप था वो रफ़ियाबाद में था, दनगेर इलाके में इनका एक कैंप हुआ था, आज का जो कैंप है ये गाज़ियाबाद के इलाके में है। और यहाँ पे लोगों की काफ़ी तादाद थी और ज़रूरतमंद जो लोग थे, जो पेशेंट्स थे, वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना चेकअप कराया और फ्री मेडिसिन जो है वो फ्री मेडिसिन यहाँ पर हासिल किया। हमने CEO साहब से भी बात की इस विषय पर, हमने उनसे भी बात की और उन्होंने कहा कि हम ऐसे इनिशिएटिव जो है वो बार बार लेते रहते हैं और ये जो आज का इनिशिएटिव है ये आज इसलिए हमने लिया है ताकि यहाँ का जो ज़रूरतमंद बंदा है, ज़रूरतमंद जो लोग हैं यहाँ के फार फ्लंग एरिया के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हम ये मेडिसिन, फ्री मेडिसिन जो है वो दे सके और उनके सेहत का जो है वो ख्याल रख सके। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा कि भारत दर्शन टूर जो है उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो जो है बाहर की जो रियासतें हैं वो देख सके। तो फिलहाल हमने जब यहाँ पर CEO साहब से बात की तो CEO साहब ने ये कहा कि हम और भी जो कैंपस है वो करने जा रहे हैं और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम कहीं ना कहीं हेल्प पहुँचाना चाहते हैं। कैंप लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें, और उसी सिलसिले में आज ये हमारा 7वां कैंप है। हम 92 बटालियन के पास सोपोर, राफियाबाद और जैनगीर और हंदवाड़ा की जिम्मेवारी है, तो हम इन्हीं इलाकों में कवर करते हैं। तो इससे पहले हम हंदवाड़ा में, जैनगीर में, राफियाबाद में, और ये 7वां कैंप जो है यहाँ पे हम लगाया हुआ है। और जैसे आपने देखा ज़रूरतमंद लोग हैं, बहुत भीड़ आई हुई है लोग, तो मुझे इस बात की तसल्ली है कि हम एक अच्छी जगह का चुनाव किया है और वहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को मेडिकल की सुविधाएं मिल रही है और हमारे पास एक बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम है जो पेशेंट्स को अटेंड कर रही है और ना केवल उनको दवाई बल्कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है किस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट हो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। काफ़ी सराहना मिल रही है आपको लोगों से क्योंकि आप बार बार ऐसे इनिशिएटिव जो है लेते रहते हैं। तो आपने अभी अपने जो स्पीच में एक बात भी कही है कि हम दूसरे सुविधाएं भी देते हैं लोगों को, जैसे कि आपने बिजनेस का बोला या आपने टूर्स का बोला, तो क्या करना चाहिए लोगों को इसके लिए और क्या मैसेज है दिया? जहाँ तक मेडिकल कैंप की बात है तो इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया सिविक एक्शंस प्रोग्राम में और प्रोग्राम रहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको किसी प्रकार की ट्रेनिंग दे के हम उसको इस काबिल बना पाएँ कि वो अपना रोज़गार, अपनी रोज़ी रोटी कमा सके। तो इस प्रकार के मैंने पहले भी कहा कि यदि किसी को ये लगता है कि इस प्रकार की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ के लोकल बच्चों को मिलनी चाहिए या लोकल जो है उनको मिलनी चाहिए, बागवानी से रिलेटेड है, तो हमारे पास हमें उसके बारे में आइडियाज़ दें तो हम उसको वो नई ट्रेनिंग वो भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो यूथ है उसको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग उनको भारत भ्रमण करवाते हैं ताकि वो जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते वो बच्चे बाहर जाएं और बाहर के कल्चर को, बाहर के उसको भी देखें और उससे भी कुछ सीख लें। तो हम भारत दर्शन करवाते हैं। आज ही आप देखेंगे तो CRPF की बात करूं तो आज ही सोपोर में है जो है फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है जिसमें 16 टीमें भाग ले रही है, और बारामूला में आज लड़कियों का वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश रहती है कि यूथ है उसको हम आज आप सोसाइटी में देखें कि नशा बहुत फैला हुआ है तो उससे दूर रखने के लिए किस प्रकार से उनको इस प्रकार से नेशन बिल्डिंग में जोड़ें हमारी कोशिश रहती है। और यहाँ के आवाम के लिए तो हम 24x7 हमेशा तैनात हैं, उनकी सुरक्षा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि आपने बहुत सारे जो सुविधाएं हैं वो गिनवाई, अब जो कि मतलब यहाँ के लोकल लोग हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ?
हमारे साथ हमारे, मैंने पहले कहा कि एक तो मैंने मददगार की बात की थी कि जिसको ज़रूरत हो वो है, और हमारा नंबर है, हमारे लोग हैं, हमें किसी से बात करने में किसी से हमारा नंबर है, आप हमारा नंबर लें, सब जो आपका अपना ग्रुप है, जो हमारे अपने कनेक्टेड लोग हैं आसपास के इलाके के, उनको तो हमारा नंबर पता है। लेकिन मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार की जो हमारी जो योजनाएं हैं इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और जो है लोग उसका फ़ायदा लें। तो आप भी हमारा नंबर लें और CRPF है उससे लें, ताकि लोग जो है उससे बेनिफिटेड हों। ज़रूरतमंद, मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, आवाम हैं, वो उससे जुड़े। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? मेरा मैसेज ये है कि ये भारत तरक्की कर रहा है, हम सब उसमें योगदान दें। उसमें मेरा मैसेज यूथ को और यहाँ के लोगों को है कि अभी पूरा देश तरक्की कर रहा है, तो हम भी उस राह पे चलें और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान जो है वो दें। थैंक यू। थैंक यू।